हेलो एवरीवन, मैं मौसमी मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बंगाल स्टाइल में चिकन की रेसिपी। तो इसीलिए मैंने आधा किलो चिकन लाई हूँ और उसको पानी में अच्छे से धो ली हूँ और उसके बाद नमक और हल्दी डाल के इसको मैरिनेट करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और अभी कढ़ाई में ऑयल डाल दी और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दी और उसके बाद चिकन को डाल दी और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। चिकन को अच्छे से फ्राई करने में क्या होता है ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कभी भी ऐसे चिकन बना के देखने का कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए, मेरा चिकन फ्राई हो गया है। अभी मैं तो एक तेज पत्ता और जीरा और इलाच लौंग ये सब डाल के अभी प्याज डाल देती हूँ। इलाच लौंग से भी बहुत अच्छा खुशबू आता है, इसलिए इलाच लौंग डाल दी। और अभी 1 चम्मच नमक दे के प्याज को भून लेती हूँ। इतना देर तक भूनने का जब तक गोल्डन कलर हो जाए तब तक भून लेने का, ठीक है। अभी प्याज भूनना हो गया। अभी इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी ऐसे 2 मिनट ऐसे हिलाने का। और आधी डालने का हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सब 1 चम्मच 1 चम्मच करके मैंने डाली हूँ। और काचा वाला मिर्ची, हरी मिर्ची इसको बोलते हैं। तो अभी सब कुछ डाल दियो और ऐसे चलाने का 2 मिनट के लिए बस। उसके बाद टमाटर डालने का। और अभी और एक मसाला बाकी है, वो है चिकन मसाला। चिकन मसाला भी डाल के ऐसे 1-2 मिनट के लिए चलाने का लो फ्लेम में। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालने का और अभी फ्लेम को हाई कर देने का और पानी को ऐसे सूखने तक हिलाने का। जब तक पानी सूख के ऑयल ना लेकर निकल जाए तब तक ऐसे चलाते जाने का। अभी देखिए पानी सूख गया है, ऑयल निकल गया है। अभी इसमें मैं डाली हूँ आलू, एक आलू काट के इसमें डाल देती हूँ। तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसका टेस्ट पूरा अलग होता है आलू डालने से। और इसको बंगाली में बोलते हैं मांसो कोसा, चिकन कोसा को मांसो कोसा बोलते हैं। अभी मैं चिकन डाल के उसको बहुत अच्छा से हिला रही हूँ और ऐसे हिलाते जाना 5 मिनट तक ऐसे हिलाने का। और उसके बाद थोड़ा पानी देके फिर से अच्छा से हिला के उसको ढक देने का 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट में भी ऐसे बीच बीच में एक एक बार खोल खोल के देखने का। एक बार खोल के देखने का और एक बार चलाने का, जैसे नीचे ना लग जाए इसीलिए। और पानी पूरा भी सूख गया है, इसको अच्छा से ऐसे हिलाने का। और अभी इसमें डालूंगी मैं कोथुम्बीर, ऐसे बोलते धनिया पत्ता। अभी इसमें डाल दियो धनिया पत्ता। तो मेरा बन गया है चिकन कसा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।